तस्वीरें जयराम जी, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि आज की तारीख में आपकी डिपेंडेंसी जो है वो घटक दलों पे बढ़ गई है, चाहे वो नीतीश बाबू हो कि चंद्र बाबू। इससे पहले आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, ये सरकार चलाना आपके लिए थोड़ा टेढ़ी खीर होगा कि नहीं, जयराम जी? देखिए, हमने एनडीए के साथ वर्किंग पहले भी की है, पहली बार कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एनडीए के साथ गठबंधन में सरकार पहले भी रही है, जबकि हमारा पूर्ण बहुमत था। हम सरकार जो है अपने बलबूते चला सकते थे, उसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एनडीए को पूरा सहयोग, उनका समर्थन, उनका सम्मान का विषय हमेशा जो है वो कायम रखा। और आज भी अगर पूरे देश भर में अगर सरकार की अगर बात आ रही है, तो हमने पहले से कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी। और एनडीए का नंबर हमारा 292 है, 292 है, ये पर्याप्त है सरकार बनाने के लिए, सरकार के गठन के लिए, सरकार चलाने के लिए। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि एनडीए के साथ हमने पहले भी काम किया है। अच्छा, हमारे अब एक महत्वपूर्ण सवाल, मतलब दो क्विक अगर इसके जवाब दे दे जयराम जी। पहला ये कि वो उन कठोर फैसलों का अब क्या होगा, यूसीसी से लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर, वो तमाम बातें जो आपकी तरफ से कही गई थी, अब उन फैसलों का क्या होगा? देखो, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो फैसले ले लिए हैं वो तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे हैं। वो निश्चित रूप से उसमें जो है एनडीए जो हमारे कोलिशन पार्टनर है उनके साथ पहले ही सारे विषय को लेकर क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये विषय आगे बढ़ेंगे और ठीक तरह से आगे बढ़ेंगे, किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जहां नए फैसले की बात आएगी, तो नए फैसले के लिए भी एक माहौल बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सक्षम है, हमारा केंद्र का नेतृत्व सक्षम है कि जितने भी फैसले, कड़े फैसले, सख्त फैसले अगर लेने भी होंगे तो विश्वास में लेकर के जयराम जी, अब एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए, हिमाचल की सरकार पर आपकी क्या टिप्पणी है? अभी तो वो कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ है। देखिए, टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार है, लेकिन नैतिकता के आधार पर सरकार, अगर हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं, तो नैतिकता पर सत्ता में रहने का अधिकार। पर जयराम जी, यही नैतिकता का हवाला आज की तारीख में पूरा इंडिया ब्लॉक दे रहा है। लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा जयराम जी। जी जी, वक्त की कमी है, देश के लिए, लेकिन देश और हिमाचल का संदर्भ बहुत अलग तरह का है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल में राज्यसभा की सीट हारे हैं वो, और वो सत्ता में रहते हुए, बहुमत तो रहते हुए सीट हारे हैं, इसलिए नैतिकता कहाँ है उनको सत्ता में। अपने अपने फॉर्मूला है सर ये सियासत में। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी हमसे बात।